हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है ग्रेविटी स्टील स्ट्रक्चर्स की तरफ से। एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जॉब निकल के आ रही है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कंप्लीटली एलिजिबल हैं। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकता है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पे आपकी सबसे पहले बेसिकली ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडी सिंह। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर ISO सर्टिफाइड चैनल और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सीधे जॉब के बारे में। तो ये निकल के आ रही है ग्रेविटी स्टील स्ट्रक्चर्स की तरफ से। आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जितना भी बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर में डिज़ाइनिंग का जो काम होता है या फिर जो एग्जीक्यूशन का काम होता है, ये सब यहाँ पे होता है। एक तरह का डिज़ाइन कंसल्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बेसिकली डिज़ाइनिंग में ये कंपनी ज़्यादा काम करती है। डिज़ाइनिंग है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है यानी कि रेट एनालिसिस, फिर स्टील डिटेलिंग है, उसी के अलावा कनेक्शन डिज़ाइन है, 3D मॉडलिंग है, और ये सब कुछ काम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो, खासतौर से स्टील की, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। बात कर लेते हैं सीधे इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ग्रेविटी स्टील स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे से BR हायरिंग में रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। BE सिविल, BE BTech सिविल, या फिर BE BTech मैकेनिकल, या फिर डिप्लोमा इन सिविल, या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने अपने ही ब्रांच में डिप्लोमा या फिर BE BTech कर रखा है, तो आप लोग कंप्लीटली एलिजिबल हैं। सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे जॉब निकल के आ रही है। बात कर लेते हैं नॉलेज की। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑटोकैड और टेक्ला की जानकारी होनी चाहिए। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना चाहिए, टेक्ला भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसी के अलावा यहाँ पे आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अपने डिप्लोमा या फिर अपने बीटेक में। तो ये बेसिकली इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपकी जॉब लग जाएगी, अगर आप इनमें यहाँ पे अप्लाई करते हो। बेसिकली देखिए, यहाँ पे जब आप लोग जॉब करने जाते हो, अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है यहाँ पे आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी 3 मंथ्स के लिए। आपको 3 मंथ्स के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पे आपको परमानेंट किया जाएगा, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय बनाया जाएगा। और जो सैलरी होएगी वो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय बनने के बाद मिलेगी। यानी कि इस 3 मंथ तक आपको यहाँ पे कोई भी रुपया पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको अपनी जेब से ही अपना मैनेज करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो। बट जब आप 3 महीने के बाद परमानेंट हो जाओगे, रेगुलर हो जाओगे, इस कंपनी में जॉब लग जाएगी आपकी, तब यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। तो ये इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये एक बैंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। तो अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास के एरिए से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वाले पोस्ट तो वैसे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, बट वो डिपेंड करता है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम ऑल ओवर इंडिया आपके लिए वैकेंसी लाते हैं। साउथ में सिविल का काम ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ से वैकेंसी ज़्यादा आती है। नॉर्थ में जितना भी काम होता है, उसके हिसाब से हम आपके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट लाते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया आपके लिए वैकेंसी ला सकें। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको अपना अपडेटेड CV इस मेल ID पे भेज देना है, HR@gravitysteel.com, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाके भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है gravitysteel.com, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको इनके करियर सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप करियर सेक्शन में जाते हो, तो आप इसके बेसिकली इस पेज पे खुल के आ जाओगे, जो उनका करियर सेक्शन का पेज है उस पे खुल के आ जाओगे। वेबसाइट थोड़ी स्लो है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए किसी ने कोई रुपया पैसा नहीं दिया है और ना ही मुझे से कोई रुपया पैसा चाहिए। ये बस गुडविल में बनाया जा रहा है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको उनके लिए प्रॉपर जॉब मिलने पाए। इसके अलावा मेरा यहाँ पे कोई और मकसद नहीं है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे, आपके सामने ये एक ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको ये फॉर्म भर के भेज देना है, अपना नाम, मेल एड्रेस,
फोन नंबर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर पोस्ट यहाँ पे आपको डालनी है, एक्सपीरियंस में 0, लोकेशन में आपको अपना स्टेट डाल सकते हो या फिर कर्नाटका डाल सकते हो अगर आप वहीं से बिलोंग करते हो, या फिर मुंबई से बिलोंग करते हो तो आप लोग वहाँ से डाल सकते हो। सब्जेक्ट जो भी आपका है, सब्जेक्ट रहेगा बेसिकली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी यहाँ पे आप पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म डाल रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा लेवल पे डाल रहे हो या फिर बीटेक लेवल पे डाल रहे हो, कुछ मैसेज अगर लिखना चाहते हो तो वो यहाँ पे अपना लिख के भेज सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी सीवी अटैच करके सबमिट पे फॉर्म सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप करोगे, आप इनकी बेसिकली इनका फॉर्म सेंड हो जाएगा और आपकी मेल आईडी पे एक रिसीविंग आएगी कि आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो ये आपको आगे के प्रोसीजर के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि ये कंपनी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, प्रेफरेंस कहीं ना कहीं बैंगलोर यानी कि कर्नाटका वालों को ही दी जाएगी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी ऑल ओवर इंडिया वाले चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ी बहुत वैकेंसी आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने हिसाब से आप देख के यहाँ पे खैर अप्लाई कर सकते हो। हमारे मतलब की जो वैकेंसी है, खैर वो वैकेंसी एक यही है, ठीक है। अब अगर आपको ये पीडीएफ, अगर ये फाइल डाउनलोड करनी है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.engineeringdestination.com पे मैंने इसे आपके लिए प्रॉपर अपडेट कर दिया है। यहाँ पे आपको बेसिकली हमारी वेबसाइट पे नीचे जाना है, आप या तो सीधे होम पेज के थ्रू जा सकते हो या फिर आप लोग प्राइवेट जॉब के थ्रू भी जा सकते हो। आपको प्राइवेट जॉब पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करते हो जितनी भी अपडेट्स होती हैं हमारी वेबसाइट पे सब आपके सामने खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो आपको बेसिकली फॉर मोर इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस जॉब की सारी डिटेल्स खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे जाने के बाद बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक, तीनों ही मैंने यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर दिया है, आप जाके यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट अस का भी रिप्लाई करता हूँ। और आप अगर चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप IS कोड के पेज पे जाके जितने भी जो IS कोड होते हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जाके आप उन्हें पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर आप क्वालिटी वाले हो, अगर आप क्वालिटी में जाना चाहते हो तो आप क्वालिटी में जाके जो हमारी क्वालिटी की रिपोर्ट्स होती हैं सब जाके उन्हें आप लोग प्रॉपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर एक्सेल फाइल में ये क्वालिटी की रिपोर्ट्स हैं। इसी के अलावा प्रॉपर यहाँ पे आप यहाँ पे जाके प्रॉपर अप्लाई कर सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी बुक मार्क नहीं है, कोई भी वाटर मार्क नहीं है और आप इन्हें लैब में अपने यूज़ कर सकते हो। ये खुद वो रिपोर्ट्स हैं जो कि मैंने बनाई थी जब मैं खुद अपनी सर्विस में था, ठीक है। अब तो मैंने नौकरी छोड़ दी है, जब मैं सर्विस में था तब मैंने ये आपके लिए बनाई थी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। जो हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, हमें वो जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल अचीव करना है और वो बिना आप लोगों के कॉपरेशन के अचीव नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आपको और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका कमेंट सेक्शन में एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।